तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस तो बताई हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको अबाउट दिस मैक में जाता हूँ ताकि किस चीज़ पे हम ये कर रहे हैं। ये 2011 है, कोर i7 4 GB रैम, और इसमें जो साटा हार्ड लगी हुई है वो लगी हुई है 250 GB। तो इसमें सबसे पहले हम ये लगाने लग रहे हैं सैमसंग की ईवो 860, 250 GB के अंदर है। बिल्कुल देखें, इस रैम पे सील पैक है, तो इसका तरी ये यानी कि पैक का क्या निशानी होती है, ये देखें, ये बिल्कुल भी ओपन नहीं हुई हुई इस टाइम के ऊपर। ठीक है, देखो ये सैमसंग ईवो, इसको हम ओपन करेंगे। राइट, और ये मेड कहाँ की है? मेड है जी ये थाईलैंड की मेड है ये। राइट, दिखा देता हूँ आपको, ये थाईलैंड की मेड है। राइट, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आगे इसको लेके जाते हैं, इसे ओपन करते हैं। तीव से इसको ओपन करते हैं, ज़्यादा इसके अंदर से क्या निकला है? एक मैनुअल है, उसके बाद एक ये हार्ड डिस्क आ गई ईवो की, ये नंबर है, सीरियल नंबर, ये इसको मैच करें जो ये आपको नज़र आ रहा है, इसको बॉक्स के सीरियल नंबर के साथ यहाँ पर भी ये दिया हुआ होगा। राइटली, और क्या है? और कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये खाली बॉक्स है और ये एक हार्ड आ गई। राइट, तो अब हम इसको लगा कर चेक करते हैं क्या स्पीड पे फ़र्क पड़ा है, और मज़ीद आपको मैं चीज़ें वगैरह बताता हूँ। ये सैमसंग मैंने इसमें इंस्टॉल कर दी है, ये आप देखें। ठीक है, तो आगे मैं सामने इसका मेन्यू स्क्रीन पे विंडो वगैरह कर रहा हूँ, तो फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब ये विंडो यहाँ स्टार्ट होने लग रही है, मेन टाइमिंग आती है यहाँ पर। ये मैं ये देखते हैं अभी कितने मिनट में होती है ओवरऑल, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अब इसको मैं आगे क्लियर कर रहा हूँ। हार्ट का फ़र्क पड़ता है सिस्टम में, हार्ट का आपका फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। अगर हार्ड आपकी ठीक नहीं होगी, तो जिन्होंने साटा हार्ड लगाई हुई है वो SSD पे आ जाएं, उस पर स्पीड का बड़ा फैक्टर जो है वो है ओवरऑल। तो ये लाइव यानी कि विंडोज़ में भी सेम इसी तरीके से ही होगा। लाइव करके दिखाने का मकसद ही यही है कि लेने से पहले आपकी ना तसल्ली हो। अच्छा, अब ये जो है ये विंडो हो गया है, तकरीबन 13 मिनट के अंदर जो है वो हुई है, यानी कि हमने टाइम नोट किया हुआ था, तकरीबन 13 मिनट के अंदर इसके अंदर ये विंडो हो गया है। अब ये मुकम्मल जो है इसमें वीडियो हो चुकी हुई है सैमसंग की ईवो हार्ड में, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। 4 GB रैम, स्टोरेज 256 सॉलिड स्टेट ड्राइव, और सिस्टम रिपोर्ट्स में जाते हैं, स्टोरेज राइट, ये देखें सैमसंग SSD ईवो 250 GB, और सबसे बड़ी बात सीरियल नंबर भी यहाँ पे इसका शो हो रहा होगा। नहीं, बस इन्होंने इतना ही इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है। ओवरऑल 250 GB ये सैमसंग ईवो की हार्ड इसमें लग गई है। राइट, तो बूट अप टाइम भी मैंने आपको दिखाना है, पहले वो भी मैं दिखा दूँ शट डाउन, क्योंकि अभी भी विंडो ही है। तो तकरीबन इसमें 13-14 मिनट लगे हैं, यानी कि थोड़ी सी आगे जो इन्फॉर्मेशन जाती है 14 मिनट लगे हैं। अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये क्लोज हुई है, शट डाउन हो गया है। अब इसे मैं ऑन करूँगा ओवरऑल, और फिर आपको बूट अप टाइम चेक कराता हूँ। तो ये मैं अब आपको बूट अप टाइम दिखा रहा हूँ सैमसंग ईवो का। ये तकरीबन 13 सेकेंड्स में हो गया है।
13 सेकंड में समझ लीजिए बूटअप हो गया, बाकी तो ये आगे पासवर्ड वाला आ गया ना ओवरऑल। 13 सेकंड्स के अंदर ये हो गई है, विंडो जो आपकी ऑफ हो रही है मिनिमम 1 सेकंड 2 सेकंड में ऑफ हो रही है, ठीक है।